मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आपका स्वागत है बेटा। वीडियो नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5 बेटा आपका हो चुका है और क्वेश्चन नंबर है 3। उल्टे चल रहे हैं बेटा अपन, इसके पीछे छोटा सा ही मात्र कारण है जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके, सरल से कठिन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि बेटा इस पॉइंट को आप पढ़िए, दर्शाइए। और मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में शायद ये बताया था कि अगर कहीं भी आपको दर्शाइए शब्द अगर मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेका के द्वारा हल होना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मैंने कह रहा क्वेश्चन कह रहा बेटा क्वेश्चन कह रहा है संख्या को कह रहा है क्वेश्चन, दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, क्या हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं, जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा इस बात को कि क्या हम लिख सकते हैं, वो भी क्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो बेटा इस क्वेश्चन को हल करते हैं, दर्शाइए शब्द जहां भी मिल जाए, समझ जाना यूक्लिड विभाजन प्रमेका का प्रयोग होगा। तो बेटा हल में अपन क्या लिखेंगे, देख सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड, सबसे पहले अपन लिखेंगे माना। देखो अगर बेटा आपको प्रश्न में मिलता है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आप माने कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ए की जगह कोई भी ले, बी सी डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप लिखें माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर प्रश्न में आपको मिलता है सम, विषम की जगह मिलता है सम, तो आप माने माना ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। और अगर बेटा कुछ भी नहीं मिलता तो आप भी कुछ मत मानो, सम मिलता है तो सम मानो, विषम मिलता है तो विषम मानो, दोनों सिद्ध करवा रहा है तो भी बेटा कुछ मत मानो, क्योंकि एक चीज को आप दो नहीं मान सकते। समझ में आ गया, तो बेटा यहां विषम है इसलिए क्या मानेंगे, विषम। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब दर्शाइए वाला सवाल है बेटा, क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बहुत सुंदर। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हल करने पर, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हल करने पर, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हल करेंगे तो सूत्र भी किसका लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसलिए a बराबर bq+r तथा 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, ठीक है बेटा। तथा देखो यहां तक मैंने बताया था ये क्या है, एल्गोरिथम, और पूरा अगर लगाते तो प्रमेय का, दोनों बस मात्र छोटा सा ही फर्क है। तो a बराबर bq+r तथा 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b है, जहां b बराबर, बेटा यहां क्वेश्चन में देखिए क्यू, क्योंकि जस्ट बगल में ये क्या है बी, ये बी होता है हमेशा ध्यान रखें, एम मिल जाए चाहे क्यू मिल जाए, कोई भी पूर्णांक मिले उसके जस्ट बगल में ये जो मान होता है ये होता है आपका बी का मान। तो यहां क्या मिल रहा है आपको, 6, तो बी का मान क्या है बेटा 6। जब बी का मान 6 है तो आर का मान क्या होगा, कंडीशन में देखो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होगा आर का मान या बराबर, यानी कि 0 भी होगा, 0 भी होगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन बट आर से भी बड़ा है बी, लेकिन और बी का मान कितना है 6, आर से भी बड़ा है बी। जब बी का मान 6 है तो लेकिन आर का मान तो उससे छोटा होगा, तो इसका मतलब 5, कहां से आर का मान होगा 0 से लेके 5 तक। अगर बी का मान 8 होता तो आर का मान कहां से कहां तक होता बेटा, 0 से लेके 7 तक, मतलब बी से तुरंत छोटा और 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है बेटा, वो होता है आर का मान। तो आर का मान 0 से लेके 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4 व 5 रखने पर आर का मान बेटा 0 से लेके 5 तक, ठीक है। अब इन मानों को बेटा इस सूत्र में रखेंगे,
एट बराबर बी का मान क्या है बेटा, देखो छह, ठीक है, क्यू है बेटा आपका, प्लस आर, आर का मान क्या है जीरो है, और क्या आर का मान, सभी आर के मान को रख देंगे, छह क्यू प्लस आर का मान बेटा एक है, छह क्यू प्लस आर का मान दो है, छह क्यू प्लस आर का मान तीन है, छह क्यू प्लस आर का मान चार है, वह छह क्यू प्लस पांच के रूप जैसा होगा, ठीक है बेटा। जब मैं आर के मान सभी मानों को रखूंगा तो एक ये सभी मान होंगे, छह क्यू प्लस जीरो, छह क्यू प्लस वन, छह क्यू प्लस दो, छह क्यू प्लस तीन, छह क्यू प्लस चार और छह क्यू प्लस पांच के रूप जैसा होगा। अब ये तो बेटा ए के सभी मान है, जब हम आर के सभी मानों को रख देते हैं तो ये ए के सभी मान है, इनमें से ए क्या था बेटा, ध्यान दें, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये तो ए के सभी मान है जिनमें सम भी शामिल है और विषम भी शामिल है, बल्कि ए हमारा क्या था, क्या माना था, विषम पूर्णांक, क्योंकि ए धनात्मक विषम पूर्णांक, चूंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, जब बेटा विषम है तो विषम वाले मान होंगे, तो विषम वाले मान होंगे बेटा कौन कौन से, ये सिक्स क्यू प्लस जीरो, ये तो बेटा आपका सम है, सिक्स क्यू प्लस ए, पीछे से इस पर क्या बचता है ए, ये बेटा विषम है, इसलिए ए बराबर सिक्स क्यू प्लस वन, और कौन सा होगा बेटा विषम, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस थ्री, ये भी बेटा आपका विषम है, वह सिक्स क्यू प्लस पांच के रूप जैसा होगा। ये बेटा आपका क्वेश्चन हो चुका है, यही वो सिद्ध करवा रहा था कि विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री व सिक्स क्यू प्लस पांच के रूप जैसा होना चाहिए, और एट लास्ट अंत में आपने क्या देखा कि ए का जो मान है वो सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस पांच के रूप जैसा ही आया है। बेटा हमने विषम विषम मानों को छांट लिया, सम कौन से थे, अगर सम पूछता तो ये और ये आता था, ठीक है बेटा। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में बेटा फिर से देखेंगे, ठीक है।